दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा की मोस्ट मस्कुलर एक्सयूवी 500 के नए अवतार के बारे में। दोस्तों महिंद्रा ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन एक्सयूवी 500 कार को जल्द ही मार्केट में उतारने की तैयारी कर रही है। दोस्तों महिंद्रा की एक्सयूवी 500 को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। इससे दोस्तों यही साबित होता है कि जल्द ही महिंद्रा अपनी मोस्ट मस्कुलर एक्सयूवी 500 को नए अवतार में 2021 में पेश करने वाली है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों पुरानी वाली XUV 500 से अगर हम नई XUV 500 के डैशबोर्ड से अगर हम कंपैरिजन करें तो इसमें नीचे की तरफ सेंटर बेल्स और उसके नीचे क्लाइमेट कंट्रोल जैसा ऑप्शन इसमें दिया गया है, जिसका लुक पहले XUV 500 के मुकाबले ज़्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी लगता है। मतलब कि दोस्तों महिंद्रा ने XUV 500 का डैशबोर्ड पूरी तरह से चेंज कर दिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो दोस्तों नई महिंद्रा XUV 500 में आपको 2.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर वाला डीजल इंजन आपको दिया जाएगा, जो कि महिंद्रा की थार में लगा है। दोस्तों इस एसयूवी में इंजन की तरफ से कोई कमी नहीं रखी गई है। अगर दोस्तों इसके पेट्रोल इंजन की बात करें तो इसमें आपको 190 पीएस की क्षमता वाला इंजन दिया जाएगा, और इसके अगर डीजल इंजन की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको 180 पीएस की क्षमता वाला इंजन देखने को मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके गियर ट्रांसमिशन के बारे में। तो दोस्तों इसमें गियर ट्रांसमिशन पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में 6 स्पीड मैनुअल और ऑटो टार्क कन्वर्टर के साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों इस 7 सीटर एक्सयूवी में आपको ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ 7 एयरबैग देखने को मिलेंगे। और अगर दोस्तों हम इस सेगमेंट की गाड़ियों का कंपैरिजन करें इस महिंद्रा की XUV 500 से, तो इस सेगमेंट की गाड़ी दोस्तों MG के हेक्टर और टाटा की हैरियर और टाटा की सफारी जैसी कारों से इसका मुकाबला होने वाला है। अब हम दोस्तों अगर इसकी प्राइस की बात करें तो अभी इसकी प्राइस कन्फर्म तो नहीं हुई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों कि 14 लाख से लेकर 20 लाख रुपए के अंदर इसकी प्राइस रखी जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें अभी कौन कौन से फीचर्स ऐड करने को बाकी रह गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।